हेलो फ्रेंड्स, हम कोरल ड्रॉ एक्सपर्ट में आउटलाइन इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में जाएंगे और आउटलाइन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं जिसमें आउटलाइन कलर हम सीखेंगे। उसके लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ से प्लाइगॉन ले रहे हैं और प्लाइगॉन ड्रॉ कर रहे हैं। प्लाइगॉन के बॉर्डर को कलर देने के लिए हम यहाँ से आउटलाइन कलर प्लेट आउटलाइन कलर्स पे क्लिक करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F12। इसमें मॉडल्स पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं, आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हर एक कलर में कितना प्रोपोर्शन लिया है CMYK का वो भी दिखा रहा है आपको। और कलर नेम वाइज आपको सेट करना है तो आप सेलेक्ट करो नेम, सीधा ही नेम वाइज कलर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से नेम लिस्ट में से सिलेक्ट करते हैं पर्पल, पर्पल कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पल कलर आ गया है, पर्पल कलर का कोड भी दिखा रहा है आपको। ओके दे दोगे तो वो कलर आपके ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पे फिल हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, अगेन हम शिफ्ट F12 करते हैं। उसके बाद मिक्सचर ऑप्शन के पहले हमें यहाँ पे प्लेट्स दी हुई है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में से भी कलर ले सकते हैं। जैसे हमने प्लेट सिलेक्ट की और कलर सिलेक्ट करके ओके दिया, कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। नेक्स्ट प्लेट में जाएंगे हम मिक्सचर्स में, मिक्सचर्स में से भी आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हो जैसे जैसे टर्न हो रहा है वैसे वैसे कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। कलर सेलेक्ट करके ओके दीजिए, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो अप्लाई हो गया है। अगेन हम कलर बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको मिक्सचर्स में भी आपको यहाँ पे अदर लाइटनेस और डार्कनेस के भी ऑप्शन दिए हैं। आप लाइट डार्क करके कलर्स चेंज कर सकते हो, नेम वाइज भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अप्लाई करना है ओके दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। अगेन शिफ्ट F12 करके हम प्लेट्स में जाएंगे, प्लेट्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के ऑप्शन दिए हैं। आप यहाँ से स्क्रॉल करके प्लेट्स के कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से कलर प्लेट्स के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स दिए हैं RGB CMYK। आप एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ से CMYK पे क्लिक करेंगे तो CMYK कलर सेलेक्ट कलर प्लेट्स दिखाएगा जिसमें से हमें कलर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए, वो आउटलाइन पे कलर फिल हो जाएगा। अगेन हम नो कलर फिल करने के लिए हम फिल कलर लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करेंगे। और नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन निकल जाएगी, जो अंदर फिल किया था वो कलर रहेगा। और यहाँ से हेयरिंग लाइन नो आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो जो मेन ओरिजिनल जो लाइन थी बॉर्डर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दी हुई हैं आउटलाइंस की थिकनेस, आपको जो भी सेलेक्ट करनी है आप क्लिक करोगे वो आउटलाइन की थिकनेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, उतनी ही थिक हो जाएगी आउटलाइन। आप देख सकते हो इस तरह से थिक हो रही है। उसके बाद आपको फाइनली कलर बॉक्स ऑप्शन दिया है कि स्क्रीन के राइट हैंड साइड में कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें भी आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं, कलर प्लेट्स की स्टाइल्स भी दिए हैं RGB CMYK ग्रे स्केल। आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और फिल पे क्लिक करोगे तो इनसाइड कलर फिल होगा। कलर सेलेक्ट करो, फिल करो, यहाँ से लॉक ओपन कर दोगे तो आप जैसे जैसे कलर पर मूव करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली कलर फिल होता दिखाई देगा आपको। यहाँ से अनलॉक करोगे, अनलॉक करके आप कलर पे क्लिक करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर दिखाई नहीं दे रहा जब तक हम अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे हमने आउटलाइन पे क्लिक किया वो अप्लाई हुआ, उस हिसाब से हम आउटलाइन के लिए भी इस तरह से लॉक अनलॉक करके अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू में कलर्स दिखा रहे हैं। अगर आपको कलर प्लेट्स लेनी है तो यहाँ पे कलर प्लेट ऑप्शन भी है, कलर प्लेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको सारे स्टाइल की कलर प्लेट्स भी दिखाएंगे। आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कलर प्लेट्स में से जाके। यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज दिया है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना रहेगा। टूल बॉक्स में से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हमने यहाँ से ड्रॉ करा। अभी हम अगेन एरो टूल लेंगे और टूल बॉक्स में से हम यहाँ से फिल इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्सचर फिल।
टेक्सचर फिल पे क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स इफेक्ट दी हैं। आपको जो भी इफेक्ट सिलेक्ट करनी है आप इफेक्ट सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ से स्क्रॉल करके इफेक्ट सिलेक्ट कर पा रहे हैं, हमने यहाँ पे इफेक्ट सिलेक्ट की। अगर इफेक्ट के अंदर भी आपको कलर देना है तो राइट साइड में कलर बॉक्स दिया हुआ है, कलर सिलेक्ट कीजिए। और कलर को देखना है आपको तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो प्रीव्यू दिखाएगा। और फिल करना है ओके दीजिए, फिल हो जाएगा। अगेन हम यहाँ से टेक्सचर फिल पे क्लिक करेंगे और आपको ऊपर पैटर्न्स दी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल पैटर्न्स दी हुई हैं। आप सैम्पल वन सैम्पल टू पे क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपने सैम्पल सिलेक्ट किए उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस दिए हैं। हमने टेक्सचर सैम्पल एक सिलेक्ट किया और ओके दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे वो सैम्पल अप्लाई हो गया। अगेन हम फिल में जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट स्क्रिप्ट इफेक्ट। यहाँ से हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट स्क्रिप्ट दी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड में। आप स्क्रॉल करके सारी इफेक्ट्स देख सकते हो। आपको जो भी इफेक्ट अप्लाई करनी है आप इफेक्ट सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ से इफेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्रॉल करके, जैसे ही आपने इफेक्ट सिलेक्ट की ओके पे क्लिक कीजिए, वो इफेक्ट फिल हो जाएगी। अगेन हम फिल में जाएंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट में जाएंगे और डिफरेंट इफेक्ट्स देखेंगे। जैसे हमने यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट देखे प्रीव्यू पे क्लिक करके, जैसे मुझे ये अप्लाई करनी है ओके पे क्लिक किया, इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। अगर इफेक्ट निकालनी है तो अगेन हम फिल में जाएंगे और नो फिल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे फिल इफेक्ट निकल जाएगी। अगर सिंपल कलर्स फिल करना है तो फिल में जाके कलर्स पे क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में कलर बॉक्स के ऑप्शंस दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। आपको जो भी कलर अप्लाई करना है आप सीधा ही यहाँ से कलर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। स्क्रॉल करके आप कलर्स प्लेट्स भी देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कलर प्लेट देखी है। उसके बाद डायरेक्ट कलर ऑप्शन भी है, डायरेक्ट कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लेट्स है, प्लेट्स में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से RGB या CMYK सेलेक्ट करके हम कलर्स फिल कर सकते हैं। फिल पे क्लिक करोगे कलर फिल होगा, आउटलाइन पे फिल करना है तो कलर सेलेक्ट करके आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आउटलाइन कलर फिल होगा। इस तरह से हम कलर्स फिल कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से हम कलर फिल कर रहे हैं। लॉक पे क्लिक करेंगे तो फिल इफेक्ट्स नहीं दिखाएगा, लॉक पे से क्लिक हटा देंगे तो फिल इफेक्ट दिखाएगा। थैंक यू।